जी हाँ ना, आरएफ ने प्रकृति बचाओ कार्यक्रम के तहत जीएम इंटरनेशनल एकेडमी संभल में पौधारोपण किया। इस मौके पर जीएनआरएफ के जिला अध्यक्ष शारिक अत्तारी ने कहा कि जिस प्रकार मानव स्वास्थ्य के अस्तित्व के लिए स्वस्थ भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार स्वच्छ हवा के महत्व से कोई भी इनकार नहीं करता, लेकिन बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण के कारण जलवायु भी काफी हद तक प्रभावित हुई है। यदि हमने प्राकृतिक संसाधनों का सहारा नहीं लिया तो निकट भविष्य में हमें और भी गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक शोध के अनुसार एक पेड़ तापमान को कम से कम 4 डिग्री तक कम कर सकता है और साल भर में लगभग 20 किलो वायु प्रदूषण को अवशोषित कर सकता है। दावत इस्लामी हिंद के कल्याण विभाग गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन ने 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच पूरे देश से बड़ी संख्या में पौधे लगाने का फैसला किया है। जीएनआरएफ के स्वयंसेवक कॉलेजों, स्कूलों, धार्मिक मदरसों और विभिन्न धार्मिक स्थानों पर प्रकृति बचाओ शीर्षक के तहत कार्यक्रम आयोजित करके लोगों से एक वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने की अपील की जा रही है। इस मौके पर अब्दुल मोबीन अत्तारी, शारिक अत्तारी, मौलाना आरिफ अत्तारी, अब्बास अत्तारी आदि लोग मौजूद रहे। आज एमजेड इंटरनेशनल एकेडमी के अंदर हमारे सीनियर, हमारे अजीज दोस्त अब्दुल मोबीन अत्तारी साहब और अब्बास भाई और दीगर अहबाब के साथ स्कूल में आना हुआ। इन लोगों ने जेएनआरएफ की तरफ से स्कूल के अंदर कुछ पौधों का आगाज़ किया जो लगाए हैं, जो इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है और कौम की भी ज़रूरत है, ताकि आने वाले नस्लों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और मैं इसमें इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको ऐसे ही इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की तौफीक अदा फरमाता रहे। आमीन।